अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फ्रैक्शन की टाइप्स करें, हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है, कि व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो हमने की भी है, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको करना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन बेसिकली ना, किसी भी चीज़ को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर उसका इक्वल पार्ट जो है ना, या ग्रुप ऑफ पार्ट्स जो है, वो उसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को ना छोटे 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 टुकड़ों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ ना, तो इसका हर टुकड़ा या दो तीन चार पाँच जितने भी टुकड़े मिला के जो है ना, वो उसका एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह किसी चीज़ को हम डिफरेंट पीसेस कर सकते हैं, किसी शेप को कर सकते हैं, किसी ग्रुप को कर सकते हैं। एक मैं ना आपके सामने एक स्क्वायर बनाती हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम करते हैं फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, तो अब जो हर इसका ये पार्ट है ना, ये पार्ट भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे जो है ना उसकी फ्रैक्शंस हैं, या ये दो मिला के भी फ्रैक्शन है, ये तीन मिला के भी फ्रैक्शन है, तो ये सब फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शन जो है सिर्फ किसी शेप पे नहीं होती, हर चीज़ पे होती है। अगर जैसे मैंने मार्कर की एग्जांपल दी, या कोई सेट हो जाए, जिस तरह ना ये एक स्टिकर्स का सेट है मेरे पास, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 स्टिकर्स हैं, और हर जो है ना स्टिकर जो है वो इक्वली ये डिवाइडेड है ना, तो हर जो स्टिकर है इसका फ्रैक्शन है। तो अभी लिखते कैसे हैं फ्रैक्शन? ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिखते कैसे। सपोज़ मैंने ना इसका ये पार्ट जो है ना शेड कर दिया, और ये पार्ट भी शेड कर दिया। ठीक है, अब हम ये लिखना चाह रहे हैं कि कितना पार्ट जो है इस स्क्वायर का, कितना फ्रैक्शन जो है वो शेडेड है। तो इसका लिखने का क्या तरीका है कि ऊपर हम लिखते हैं फ्रैक्शन, या एफ, फ्रैक्शन के लिए मैं एफ लिख रही हूँ, इज इक्वल टू पार्ट और डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स, ये टोटल। ठीक है, पार्ट कितना है, कितने पार्ट्स हैं ये इसके ऊपर जो शेडेड हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो पार्ट्स कितने हैं 2, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि जितने नंबर्स में जितने टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे आएंगे, और जो हम फ्रैक्शन देख रहे हैं जैसे अभी शेडेड देख रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इस स्टिकर्स वाली, ठीक है, इसमें सपोज़ मैं ये येलो वाले लिखना चाहती हूँ कि कितनी फ्रैक्शन है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम इसको, ये कितनी है येलो वाली, इन पांचों में से 1, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे टोटल कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये होती है फ्रैक्शन। ये जो चीज़ होती है ना ऊपर वाला नंबर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो याद रखने के लिए ना मैं हर जगह न्यूमरेटर की जगह एन लिखूंगी और डिनोमिनेटर की जगह डी लिखूंगी, ताकि आपको जहन में बैठ जाए, पक्का हो जाए कि ये ऊपर एन होता है और नीचे डी होता है, यानी ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो है ना फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं, 1/5 या 1/5 भी पढ़ते हैं। तो ये जो है जो बीच में ये डंडा सा लगा हुआ है ना, ये बाहर है, ये डिवाइड का निशान होता है कि 1/5, यानी इसकी वैल्यू जो है ना इस फ्रैक्शन की क्या है कि 5 में से ये 1 है। अगर 1 को 5 से डिवाइड करें जो नंबर आएगा वो भी इसका वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये डिवाइड का निशान होता है। तो ये है बेसिकली जो है ना फ्रैक्शन। ठीक है, और अभी हम करेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स। तो फ्रैक्शन की तीन मेजर टाइप्स है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी है मिक्स फ्रैक्शन, या मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बाकी उसकी छोटी छोटी चार टाइप्स हम और भी करेंगे, लेकिन वो मेजर टाइप्स नहीं है, उसकी मेजर टाइप्स यही तीन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये n बाई डी मैंने क्यों लिखा है, क्यों न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन इस तरह लिखी जाती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन की हमने अभी डेफिनेशन की थी ना कि नीचे टोटल पार्ट्स आते हैं, तो इसमें भी नीचे जो है यानी d जो है वो बड़ा होता है, तो d इज
ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है। ये जो बीच में साइन है ना, ये वाली चीज़ जो ये वाला साइन है, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। जिस साइड पे इसका ये मुंह खुला हुआ होता है ना, वो चीज़ बड़ी होती है, और जिस साइड्स पे ये बंद होता है वो चीज़ छोटी होती है। अगर मैं इसको एन को इधर लिख दूँ ना और डी को इधर लिखूँ, तो तब ये साइन यू मुड़ के बनाएगा, यानी जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है ना, वो डिनोमिनेटर है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे 1/4, डिनोमिनेटर 4 है ना, 4 1 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। या कोई भी हो सकती है, 2/7, नीचे वाला बड़ा है नंबर, तो इसका क्या मतलब है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 13/14, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और लास्ट एक और कोई कर लेते हैं, 6/7, तो ये सारी जो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी जो बेसिक हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी ना, उनको उन पे जो पूरी उतरती है ना, कि ऊपर पार्ट होगा और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स होंगे, तो उसमें जाहिर है जब टोटल पार्ट्स होंगे तो नीचे वाला बड़ा ही होगा मेजॉरिटी केसेस में, तो वो जो है ना, वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी देख लेते। तो अब आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, कि ये n बाई डी मैंने क्यों लिखा है, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको याद रहे, बार बार आप उसको जब देखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो या तो न्यूमरेटर से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इसको क्यों कहते हैं, कि ये थोड़ी ना अजीब सी होती है। जो अभी तक हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की है ना, उसके कंपैरिजन में जब हम इस वाली फ्रैक्शन को देखते हैं ना, थोड़ी अजीब सी लगती है। मिसाल के तौर पे एक फ्रैक्शन है 5/4, ठीक है, 5/4 है, तो इसमें क्या है, 4 नीचे है और ऊपर 5 है, तो 4 में से 5 पार्ट्स, एक अजीब सा लगता है, ठीक है। और तो इसलिए ना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। या डिनोमिनेटर n से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर की तरफ ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इसका मतलब है या तो छोटा है, और जब इसके साथ ये लाइन लग जाती है ना, इसका मतलब होता है इक्वल का, या ये आपस में इक्वल हो तो ये अजीब सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, या फिर डी जो है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। तो जैसे कैसे, मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक स्क्वायर मैंने बनाया है, ठीक है। सपोज अगर मैं ना इसके सारे पार्ट्स को शेड कर दूँ, ठीक है, सारे पार्ट्स शेडेड है ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ऊपर होंगे शेडेड पार्ट्स, हम अगर शेडेड पार्ट्स देखें तो ऊपर शेडेड पार्ट्स 4 हैं और टोटल पार्ट्स भी 4 हैं। तो ये जो है ना, इसमें क्या है, एन और डी आपस में इक्वल हैं, यानी न्यूमरेटर भी 4 है और डिनोमिनेटर भी 4 है। तो ये ना अजीब सी चीज़ आ गई। पहले तो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ का पार्ट, ठीक है, यानी किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का एक पार्ट, और फिर हम पूरी को कंसिडर कर रहे हैं, हम सारे के सारे पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो गो के ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ तो है, लेकिन उस तरह से फ्रैक्शन की डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, जिसमें हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब भी ऊपर नीचे एक ही नंबर होता है ना, उसका मतलब होता है 1, वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। 4/4 = 1, अगर कोई भी नंबर हो, 9/9 हो, 6/6 हो, कोई भी नंबर हो, ऊपर नीचे जब एक ही नंबर होता है तो इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, ये 1 से बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है, तो जब इस ऊपर वाले को डिवाइड करेगा तो 1 से बड़ी फ्रैक्शन आएगी। तो ये जैसे 5/4 है, 7/9 हो गई, 3/5 हो गई, 3/2 हो सकती है, यानी नीचे छोटा नंबर आएगा हर दफ़ा, इसमें भी मैंने 9 लिखा है, 7/9 नहीं होगा, 7/5 कर दें, ठीक है, यानी नीचे वाला नंबर छोटा आएगा, या ये इक्वल आएगा, जैसे 4/4 है, ये हो, तो इनको जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं, कि थोड़ी अजीब सी है, ये सॉल्व हो के बाद में थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, लेकिन देखने में इनिशियली बहुत ही अजीब सी लगती है, कि इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो है ना, फ्रैक्शंस का दूसरी टाइप थी। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शंस की थर्ड पार्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर एक ही बात है,
इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं और मिक्स नंबर भी कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है कि एक तो फ्रैक्शन है ना हमारी जो न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन होती है कि ऊपर न्यूमिरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसके साथ एक नंबर भी होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है वन या वन से बड़ा कोई भी नंबर, यानी जैसे सपोज ये टू है, टू और वन बाय फोर, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड क्यों कह रहे हैं कि एक पूरा नंबर आया इसके साथ एक नेचुरल नंबर आया और साथ एक फ्रैक्शन की फॉर्म में भी चीज़ आई है, तो मिक्स्ड हो गया, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, टू वन बाई फोर का क्या मतलब है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं टू प्लस वन बाई फोर, ठीक है। यानी एक चीज़ है जिसमें दो पूरे हैं और एक जो है वो वन बाई फोर है, ठीक है। तो इसको अगर हम शेप्स में शो करें ना, तो फोर पार्ट्स में हम शो करेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में वन नीचे फोर है, तो ठीक है। ठीक है, अगर इसमें हम शेडेड पार्ट इसका शो करना चाहें ना, तो यूं करेंगे, सपोज ये सारा शेडेड है, ये भी सारा शेडेड है, शेप्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये पूरा शेडेड है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वन प्लस वन, ये भी पूरा है। वन प्लस वन कैसे आया कि ये दोनों जो है वो फोर बाई फोर थे, तो जब फोर बाई फोर होगा तो हमने पहले देखा कि वो वन के बराबर होते हैं, तो फोर बाई फोर है, तो ये वन है, ये वन है, और इस शेडेड पार्ट को हम लिखेंगे ये प्लस, इसमें ये भी ऐड हो रहा है, तो वन बाई फोर, तो ये क्या होगा टू प्लस वन बाई फोर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं टू वन बाई फोर, और ये जो होता है ना ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर होता है। तो शेप्स में ये ऐसे शो होता है कि दो पूरे हैं किसी भी चीज़ के और एक जो है उसका चार हिस्सों में से एक पार्ट है, चौथा हिस्सा है यानी कि। तो ये किस कोई भी इस तरह की फ्रैक्शन हो सकती है, 11 3 बाय 7 या कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4 3 बाय 5, ये सारी जो है ना मिक्स फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर से, ठीक है, जिनमें एक पूरा नंबर भी आता है और साथ उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन मेजर पार्ट्स हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर। अब इसके बाद हमारे पास छोटी छोटी कोई चीज़ें हैं जिसमें है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये हमें पता है कि कोई भी फ्रैक्शन हो तो वो क्या होती है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये भी हो तो फ्रैक्शन होती ही ऐसी है कि ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमिरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जिनका डिनोमिनेटर यानी जो डी होता है ना वो सेम होता है, डी इज सेम, एक ही होता है वो, यानी जैसे हो गया 2 बाय 7, 3 बाय 7, 8 बाय 7 और 1 बाय 7, यानी सारों के नीचे जब ये 7 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन, यहीं से आपको खुद भी समझ आ गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो उसमें क्या होगा कि d जो है इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं होता। जैसे पहले इधर हमने 2 बाई 7 लिया था ना, तो उसके बाद हम 3 बाई 5 ले लें, 1 बाई 9 ले लें, 1 बाई 4 ले लें, तो इनमें क्या है, सारों में जो है ना डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। ये चूंकि डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, और जिनमें सेम होता है उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक हो गया। ये अब जो नेक्स्ट टाइप है ना फ्रैक्शन की, वो है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन सिंपल सी है, जिसमें न्यूमिरेटर जो है ना वो वन होता है ना जिस फ्रैक्शन में, वो होती है यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन हो जाए, 1 बाई 6 कर लें, 1 बाई 9 कर लें, 1 बाई 32 कर लें, 1 बाई 964 कर लें,
इन सारी फ्रैक्शंस में ऊपर न्यूमरेटर वन है ना, तो ये सारी यूनिट फ्रैक्शंस है। ये सिंपल तीन डेफिनेशन है यूनिट फ्रैक्शन की, कि जब भी न्यूमरेटर वन होगा तो फ्रैक्शन जो है वो यूनिट फ्रैक्शन होगी। और न्यूमरेटर क्या होगा, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है एन बाई डी, ऊपर यानी वाला जो नंबर है जब वो वन होगा तो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होगी। तो ये थी हमारी सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन इसकी। अब हम करेंगे इक्विलेट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विलेट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वो फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर सपोज दो फ्रैक्शंस हैं या एक फ्रैक्शन कर लो, 1/2 है मेरे पास, ठीक है ये एक फ्रैक्शन है। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ना, यानी 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो एक नई फ्रैक्शन आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी 2 1s are 2 और नीचे आ जाएगी 2 2s are 4। तो क्या है, ये और ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये आपस में इक्वल है, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, और शेप्स में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपके सामने दो स्क्वायर बनाऊँ, ठीक है, तकरीबन एक ही साइज की, ठीक है, ये एक एक जितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इसको मैंने 2 parts में किया डिवाइड और इसको मैंने किया 4 equal parts में डिवाइड। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि इसका ये पार्ट जो है ना वो शेडेड है, ठीक है, ठीक है, और इसका ये पार्ट भी शेडेड है और ये पार्ट भी शेडेड है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 1/2, ऊपर शेडेड पार्ट और नीचे टोटल पार्ट। ठीक है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर शेडेड पार्ट में हमने क्या लिखा, 1, और जो टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में क्या है वो है 2, तो फ्रैक्शन आ गई 1/2। अब इसकी जो शेडेड पार्ट्स हैं वो अगर मैं देखूं तो ऊपर कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2, ऊपर 2 parts शेडेड हैं और इसके टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 and 4, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/4। लेकिन जब हम ये फिगर देखते हैं ना, तो फिगर से हमें पता चलता है कि ये दोनों, क्योंकि दोनों स्क्वायर्स एक जितने थे, थोड़ा बहुत शायद साइज में डिफरेंट हो, लेकिन मैंने एक जितने ही अपनी तरफ से बनाए, दोनों साइज जब एक जितने थे तो इनका जो फ्रैक्शन का साइज़ है ना वो सेम है। तो शेप से भी हमें पता चल गया कि ये इक्वल हैं, और मैथमेटिकली जब हमने करके देखा तो भी ये इक्वल करार पाए। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि कोई खास चेंज नहीं होगा, ऊपर का नंबर भी एक खास रेशो से बड़ा और नीचे का भी उतनी ही रेशो से बड़ा, तो प्राइमरीली वो फ्रैक्शंस सेम ही रही, इक्वल ही रही। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती है ना उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं, कि उनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें या एक नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यही फ्रैक्शन अगर हम लिखें ना, 2/4 है सपोज, बड़ा अगर नंबर है ना, तो अगर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करें, यानी 2 / 2 कर दें और 4 / 2 करें, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 जवाब आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2/4 = 1/2, कि ये इक्वल आएगी। यानी अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, या अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो एक ही नंबर से डिवाइड करें, तो जो रिजल्टेड फ्रैक्शन या जो जवाब में फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन पहले वाली फ्रैक्शन से इक्वल होगी। इन दो फ्रैक्शंस को या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ये इसका लास्ट टाइप थी। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की डिटेल वीडियो की हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शंस की टाइप्स। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है कि किसी बड़े के साथ मिलके ये लेसन अच्छे से देखना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।